हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन 27। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण खोजें और उनकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम ट्रिक से याद करेंगे। वैज्ञानिकों के नाम बहुत ही कठिन होते हैं जो आसानी से याद नहीं होते। हम इस ट्रिक के माध्यम से उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रिक को बनाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जंग लगी हुई लोहे की रॉड लिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। चूंकि रॉड में जंग लगा था, इस कारण मैं जितनी धारा प्रवाहित कर रहा था उतनी मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी, यानी कि विद्युत का अपघटन हो रहा था। विद्युत अपघटन से बन गया विद्युत अपघटन का सिद्धांत। और हमने लोहे की रॉड लिया है, रॉड से बन जाएगा फैराडे। विद्युत अपघटन सिद्धांत की खोज फैराडे ने की थी। इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि जंग लगी लोहे की रॉड के साथ एक विद्युत चुंबक प्रयोग किया। जब मैंने विद्युत चुंबक को रॉड के पास ले गया तो चुंबक रॉड को कम आकर्षित कर रहा था। तो देखिए, विद्युत चुंबक से बन गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण और रॉड से फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इस तरह से याद रखेंगे। तीसरा प्रयोग ये किया मैंने कि लोहे की रॉड के साथ एक बल्ब जलाया। जब मैंने जंग लगी हुई लोहे की रॉड में विद्युत धारा प्रवाहित किया और बल्ब जलाया तो देखा कि उसका प्रकाश इतना कम था कि अंधकार में मेरी आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो प्रकाश से बन गया प्रकाश विद्युत प्रभाव और आई से बन जाता है आइंस्टीन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी। इस संपूर्ण प्रयोग में मैंने जाना कि धातु में जंग लगने के कारण विद्युत का आकर्षण कुल मिलाकर कम हो जाता है। तो देखिए, विद्युत आकर्षण से बन गया विद्युत आकर्षण का नियम और कुल मिलाकर से बन जाता है कूलाम। तो विद्युत आकर्षण के नियम की खोज कूलाम ने की थी। इस तरह से याद। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोजकर्ता के नाम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक इस प्रकार है, ईट पर नाच। ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी। थॉमसन से हम थॉमसन याद रख सकते हैं। प से बन जाएगा प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न से बन जाता है न्यूट्रॉन और च से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब परमाणु, परमाणु संरचना और गति विषयक नियम, इन तीनों के खोजकर्ता के नाम ट्रिक से याद करेंगे। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी इस प्रकार है, एक जादूगर ने परमाणु में जादू से जान डाल दी। यहाँ पे स्टोरी है, तो देखिए, परमाणु से परमाणु संरचना बन गई, जान से जान डाल्टन। परमाणु संरचना की खोज जान डाल्टन ने की थी। चूंकि परमाणु में जादू से जान डालने के कारण उसकी रचना हुई, इस प्रकार से परमाणु की संरचना बन गई जिसका रंग रद्दी की तरह नीला था। तो देखिए, रद्दी से रदरफोर्ड और नीला से नील बोहर बन जाता है। तो परमाणु संरचना की खोज रदरफोर्ड और नील बोहर ने की थी। चूंकि परमाणु में जादू से जान डाली गई थी, इस कारण वह गति करने लगा जिसका वजन एक टन था। तो गति से गति विषयक नियम और टन से न्यूटन। इस प्रकार गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने की थी। इस तरह से याद रखेंगे। अब हम तैरने का नियम, फोटोग्राफी फिल्म और रमन प्रभाव के खोजकर्ता के नाम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक तैराक ने आके लेडीज की फोटो ले ली। तो तैराक से तैरने का नियम और आके लेडीज से आर्कमिडीज बन जाता है। तैरने का नियम आर्कमिडीज ने दिया था और फोटो की जानकारी रमन को दे दी। ये पूरी स्टोरी है। फोटो की जानकारी रमन को दे दी। फोटो से बन जाते फोटोग्राफी फिल्म
और जानकारी से जान कार्बट फोटोग्राफी फिल्म की खोज किसने की थी? जान कार्बट ने की थी। और रमन से सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। इस प्रकार से याद रखेंगे, इस प्रकार से हमने तैरने का नियम, फोटोग्राफी फिल्म और रमन प्रभाव, इनकी तीनों के खोजकर्ता के नाम ट्रिक से याद किए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।